हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और अभी बज रहा है दोपहर का 2:30। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं रेडियो के बाबू के टेस्ट है, ऑडियोलॉजी टेस्ट, तो वहीं पे जा रहे हैं। देखते हैं हो पाता है कि नहीं, क्योंकि तो इसका तो बहुत ही मुश्किल होता है होना, बहुत ही हिला देता है। देखते हैं आज होता है कि नहीं, या फिर और नेक्स्ट टाइम लगेगा। चलिए चलते हैं रेडियो के। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं और ये देखिए, मैं ईशान को लेकर जा रही हूँ और हस्बैंड स्कूटी पार्क करके आएंगे। तो देखते हैं डॉक्टर आए हैं कि नहीं, और नहीं आए होंगे तो वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहीं पे है क्लिनिक, देखिए ये कॉर्नर में ये है हेयरिंग क्लिनिक। बहुत इंतजार। तो फ्रेंड्स, वहाँ से हम लोग आ गए क्योंकि डॉक्टर आए बहुत ही लेट करके, और आए तो इसका टेस्ट किए पर ये नहीं कराया जैसा कि मैंने कहा था कि कराएगा कि नहीं। बहुत ही हिला रहा था, इतना हिला रहा था, इतना मतलब भाग रहा था कि क्या बोले, पकड़ में ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही टाइट से पकड़ी थी पर ये है कि भाग रहा था। उनका सब वायर वायर हटा दिया, शायद टूट भी जाए अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करते। तो डॉक्टर ने कहा फिर कि रहने दीजिए, जब ये सोता है सोएगा उस समय होगा। तो मैंने कहा ये तो घर में आराम से सोता है, तो वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं घर में आ जाऊँगा। तो देखिए मंडे को बोले हैं डॉक्टर कि घर में आके होगा, क्योंकि फिर कल तो संडे है तो कल तो बंद रहता है यहाँ पे। तो अब मंडे को मैं बोली कि 3-4 बजे सोता है, तो डॉक्टर बोले कि ठीक है आप उसी समय मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, 10 मिनट हो जाएगा इसका सोया वाला, तो आप फ़ोन कर दीजिए। तो अब देखते हैं मंडे को होता है कि नहीं। ये बहुत परेशान कर रहा है, ये सब टेस्ट वेस्ट करने ही नहीं देता है। अगर मंडे को भी नहीं हुआ तो मैं बंद ही कर दूँगी, अब कुछ टेस्ट नहीं होगा, रहने देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी आए तो ईशान ये देखे सोया है, तो उठेगा तो अभी इसे खिलाऊंगी लाऊंगी, आके इधर सो गया। मैं बोली मेरे हस्बैंड को कि अभी फ़ोन कर दीजिए डॉक्टर को आने के लिए, लेकिन उनका भी एक टाइम होता है, कहाँ अभी इतना टाइम हो गया है, 7 बजने वाला है तो कहाँ आएंगे। तो और फ्रेंड्स, अभी हमें जाना है थोड़ा देर में एक बर्थडे में, छोटे बच्चे का बर्थडे है तो उसी में जाना है। तो अभी भूमिका फ़ोन की थी कि आप लोग तैयार होइए, मैं आ रही हूँ, एक ही साथ चलेंगे। तो वो आएगी तो एक साथ जाएंगे, और तब तक ईशान भी उठ जाएगा तो हम लोग जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर भूमिका आई है, ईशान रेडी है, सोनी रेडी है, और कहाँ है लड्डू? ये हमारे लड्डू, ये भी रेडी है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे लड्डू? हाँ, बर्थडे में जाना है। हाँ, और कुछ हमारे? अभी हम लोग सब लोग रेडी हैं, अभी हम लोग जाएंगे बर्थडे में। और किसका बर्थडे है तो वहाँ पे जाके बताएंगे आपको। इधर स्मार्ट यच हर जगह ब्लॉगिंग करना पड़ता है। हर जगह ना, बिस्किट अब ब्लॉगिंग रखना तो चाहिए। ये तो हद है ना। अच्छा मामी जी कैसी लग रही है बोले? मैं कैसी लग रही हूँ? चुटकी लग रही हूँ। ओ ये से चुल बांधी होता है ना बाबू? छोड़ दो छोड़ दो, मैं तो ऐसे ही बांधती हूँ, लंबा चुल रहता है तो। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए तैयार वैर होके जा रहे हैं बर्थडे में। तो अभी चलिए वहाँ पर, देखिएगा 1 साल के बच्चे का बर्थडे है तो उसमें जा रहे हैं हम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और सब लोग चले गए, बस मैं और ईशान अभी जा रहे हैं। और ये देखिए चांद के नज़ारे, कल पूर्णिमा है तो आज चांद बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और ये देखिए ये हम लोग जा रहे हैं और फिर हम। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सब लोग आ गए हैं और यहाँ पर वेट कर रहे हैं केक कटिंग का, क्योंकि अभी बेबी अभी रेडी नहीं हुआ है, तो वो रेडी होगा तो फिर केक कटिंग होगा। और ये देखिए ईशान खेल रहा है बलून के साथ, बहुत ही खुश है। और एक बच्चा यहाँ पे रो रहा था, वो भी बलून देख के खुश हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा केक। और केक तो कट हो गया और ठीक बर्थडे के टाइम में ही देखिए लाइट चली गई है, तो मोबाइल की टॉर्च से ये सब होगा। बहुत ही अफसोस लग रहा है, क्योंकि लाइट होता तो अच्छा से वीडियो बनता, पर मोबाइल के टॉर्च से ये देखिए वीडियो बना रही हूँ। और थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा है, पूरा क्लियर नहीं आया। और बच्चा इतना बेचारा परेशान था, रो रहा था,
पता नहीं उसे भूख लगा था या आदमी इतने सारे आदमी को देख के वो एकदम फेडअप हो गया था शायद तो उतना बोल नहीं पाता है तो कैसे समझे हम लोग। तो शिव अपने पापा के पास ही रहता है। ये देखिए आरव नाम है इस बेबी का। और ये ननकी जो हमारे दुकान में पहले काम करते थे पापा के दुकान में, तो अब तो ये अपना बिजनेस करते हैं खुद का। बहुत छोटे थे तभी से, जब मैं आई थी शादी करके तो ये बहुत छोटे थे। अब तो अब एक बच्चे के पापा भी बन गए हैं। देखो उम्मीद हंस रही है। घबरा तो ही चल कुछ ले कर लो। हेलो और एक लाना दीदी, बोलो दीदी मुझे सुनो। हेलो बोलिए कैसे कर रही है दीदी पे जा रहा है अंत के आप मां वो पहले मामी से मांग लो मामी जी। अरे आप मुझे दीदी से मांग एक बार पहले ले वो कर दे। मौसी है बोला मौसी हमपति जी इतना बच्चा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए वहाँ से पार्टी उटी खा के ना कृति। हाँ ठीक से खाया। क्या क्या था कृति? हाँ, पनीर पुलाव और क्या था? रुको बाबू मैं खाई थी चिकन पनीर पुलाव चिकन और सलाद। हाँ तो इतना कृति ने खाया और हमें तो चिकन नहीं खाना था तो हमने वेज खाया। वेज में पुलाव पनीर खाया और ईशान ने भी खाया। तो हम लोग सब लोग खा हो के आ गए हैं। बाबू को बर्थडे भी विश कर दिया और वो बेचारा सो गया था तो उसे बाय करके नहीं आ पाए ना। कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो अब रखते हैं और ड्रेस व्रेस चेंज करेंगे। और आज मैं और कृति सेम कलर है ना कृति। हाँ। ब्लैक इसका ये देखिए फ्लावर है ब्लैक तो मेरा चुन्नी है ब्लैक। मेरा अभी जगह ब्लैक है। हाँ। तो हम बड़ी मम्मी और बड़ी मम्मी की बेटी मैचिंग मैचिंग है।